नमस्कार, मैं माया। 7i न्यूज में आप सभी का स्वागत है और आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास हेडलाइंस पर। कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती का पाकिस्तान राग, कहा हमारी न्यूक्लियर बम दिवाली के लिए नहीं तो पाक के भी नहीं। स्मृति ईरानी पर प्रियंका गांधी वाड्रा का हमला, कहा ईरानी कर रही है अमेठी की जनता का अपमान। बीजेपी सांसद नंदकुमार सिंह का राहुल गांधी पर वार, कहा वो ऐसी मशीन लाएंगे कि जिसमें एक और से आदमी डालेंगे तो बाई निकलेगी बाहर। राहुल गांधी ने दिया पीएम नरेंद्र मोदी को चैलेंज, बोले 15 मिनट में सब दूध का दूध पानी का पानी होगा। और मंगलवार को तीसरे चरण के लिए होगी वोटिंग, 15 राज्यों की 116 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। राजस्थान के बाड़मेर में पीएम नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान पर तंज कसते हुए कहा था कि पहले आए दिन पाकिस्तान की तरफ से कहा जाता था हमारे पास न्यूक्लियर बटन है। इस पर पीएम ने कहा कि उनके पास न्यूक्लियर बटन है तो हमारे पास क्या है, हमने इसे दिवाली के लिए रखा है क्या। जिस पर जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर कहा कि अगर भारत के पास न्यूक्लियर बम दिवाली के लिए नहीं है तो पाकिस्तान ने क्या इसे ईद के लिए रखा है। पीएम नरेंद्र मोदी को इस तरह की निम्न स्तर की राजनीति से दूर रहना चाहिए। आपको बता दें कि महबूबा मुफ्ती इससे पहले भी कई बार अलग अलग मामलों को लेकर पाकिस्तान के पक्ष में बोलती रही हैं। सिंगरौली में भालू के हमले से महिला घायल हो गई है। महिला महुआ बीनने के लिए जंगल गई हुई थी, तभी घात लगाकर बैठे भालू ने उस पर हमला कर दिया, जिसके बाद महिला बुरी तरह से घायल हो गई। घायल महिला को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। भालू ने महिला के चेहरे और हाथ पर काट लिया है। पलेरा में करोड़ों की लागत से बानी सुजारा पाइपलाइन के कार्य को लेकर गांव के किसान नाखुश दिखाई दे रहे हैं। पलेरा की ग्राम पंचायत रामनगर के किसान आदि कृषि भूमि क्षेत्रों में पाइप ना डलने से परेशान है, जिसको लेकर आज किसान तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां किसानों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने कहा कि ठेकेदार कोई पाइपलाइन नहीं डाल रहे हैं, जिससे हम गांव वालों को परेशानी हो रही है। हमारे कई बार कहने के बाद भी ठेकेदार पाइपलाइन नहीं बिछा रहे हैं। हमारी सुझाव से ना है कि जो डल रही वो पाइप लाइन नहीं करी जा काय के लिए आए थे यहाँ पर। हम सुझाव की ना है कि लाने सी वन के लाने तहसीलदार के लाने आवेदन देने आए थे कि हमारे यहाँ जितने भी किसान कृषक छूटे उनके लाने पाइप लाइन डाल जाए तो बहुत अच्छी बात है। ज्ञापन दिया है सिंचाई विभाग जो बात है उसके लाइन से संबंधित, क्योंकि ये मामला सिंचाई विभाग से संबंधित है, तो हम कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने अमेठी में राहुल गांधी के खिलाफ खड़ी बीजेपी की स्मृति ईरानी पर जमकर हमला बोला। प्रियंका ने कहा कि स्मृति झूठ कह रही हैं कि राहुल अमेठी नहीं आते हैं, यहाँ के लोग सारी सच्चाई जानते हैं, जनता ये भी जानती है कि किसके दिल में अमेठी है और किसके दिल में नहीं है। प्रियंका ने कहा कि चुनाव में बहुत से बाहरी लोग आ गए हैं। खंडवा लोकसभा चुनाव से पहले नेताओं में बयानबाजी का दौर तेजी से चल रहा है। नेता बयान देने से पहले मर्यादा का भी ध्यान नहीं रख रहे हैं। ताजा मामला खंडवा से सामने आया है, जहां बीजेपी प्रत्याशी और वर्तमान सांसद नंदकुमार सिंह चौहान ने कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी को लेकर विवादित बयान दिया है। चौहान ने कहा है कि राहुल गांधी कुछ भी कर सकते हैं, वे अब ऐसी एक मशीन लाने वाले हैं जिसमें एक और से आदमी डालेंगे तो दूसरी तरफ से बाई बाहर आएगी, जिसके बाद से कांग्रेस ने नंदकुमार चौहान पर हमला करना तेज कर दिया है। उन्होंने कहा था ना, एक भाषण में कहा था कि ऐसी मशीन है कि इधर से आलू डालूंगा और उधर से सोना निकालूंगा। मेरे वीडियो क्लिपिंग मैंने देखे, वीडियो वायरल हुआ, तो अब जो वो वीडियो वायरल हुआ उस पे से मैंने अनुमान लगाया कि जो आलू डाल के सोना निकाल सकता है तो इधर से आदमी डालेंगे और उधर से भाई निकाल। रायबरेली में लोकसभा चुनाव के प्रचार के वक्त राहुल ने पीएम नरेंद्र मोदी को चैलेंज किया है। राहुल गांधी ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देता हूं कि वह भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मुझसे 15 मिनट तक बहस करे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं आपसे कहता हूं कि इसके बाद नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा देश को नहीं दिखा पाएंगे। लोकसभा चुनाव 2019 के लिए तीसरे चरण में 15 राज्यों की 116 सीटों पर मंगलवार को वोटिंग होगी। 2014 में इन 116 सीटों में से एनडीए को लगभग
65 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए को 26 सीटें मिली थी। लोकसभा चुनाव 2019 के लिए तीसरे चरण में 15 राज्यों की 116 सीटों पर मंगलवार को वोटिंग होगी। इस चरण में बीजेपी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के सामने गृह राज्य गुजरात सहित महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में अपनी जीती हुई सीटों को बरकरार रखने की चुनौती है। तीसरे चरण की आधे से ज्यादा सीटें बीजेपी के पास है। राहुल गांधी को लेकर महाराष्ट्र की कैबिनेट मंत्री पंकजा मुंडे ने विवादित बयान दिया है। पंकजा ने एक चुनावी सभा में कहा है कि हमने अपने सैनिकों पर कायराना हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक किया। वे पूछते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक कहां हुआ। मैं कहती हूं राहुल गांधी के गले में बम बांध दो और उसे वहां भेज दो। पंकजा के इस बयान के बाद से सियासत गर्मा गई है। श्रीलंका में रविवार को हुए बम धमाकों में 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में भारत के भी कई नागरिक हैं, साथ ही 35 से ज्यादा विदेशी भी हमले में मारे गए। आपको बता दें कि श्रीलंका में कल ईसाइयों के पर्व ईस्टर के मौके पर विभिन्न चर्च और 5 सितारा होटलों को निशाना बनाकर धमाके किए गए थे। पूरे देश में एक के बाद एक 8 धमाके हुए, जिसमें मरने वालों का आंकड़ा 300 के पार पहुंच गया है, जबकि 500 लोग घायल हुए हैं। अभी तक इन हमलों के किसी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली है। वहीं पुलिस ने इस सिलसिले में 24 लोगों को गिरफ्तार किया है। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए 7i न्यूज के साथ। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और 7i न्यूज को सब्सक्राइब करिए।